रचना मिश्रा जी हाँ, आज वंदे मातरम में हम खास तौर पे दिखा रहे हैं आपको बी बैन और बवाल। जी हाँ, अमित शाह अपनी पहली जी हाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपनी पहली मेघालय यात्रा पे हैं और विपक्ष तो विपक्ष अपनी पार्टी के नेता भी उनका वहां पर विरोध कर रहे हैं। मामला है बीफ बैन का। बीफ बैन यानी लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी सरकार ने और जो बीजेपी है खासतौर पे बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान स्पिंक रिवोल्यूशन के मामले को उठाया था, जिसके बाद से यह आरोप यूपीए सरकार पे लगे थे कि वो चुपके चुपके पिंक रिवोल्यूशन को बढ़ावा दे रही है, यानी बीफ के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से होंगे उज्जैन के सांसद चिंतामणि मालवीय जी और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हमारे साथ होंगे नोएडा स्टूडियो से, और उनके साथ वीएचपी के प्रवर्तक विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे नोएडा स्टूडियो से। इसके अलावा दिल्ली से ही हमारे साथ शाही मस्जिद के इंडिया गेट के मौलाना असद खान और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता सतीश तिवारी। इसके साथ ही देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे मौलाना शाह नजर। अपने मेहमानों के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम पूरे मसले पर आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट कि आखिर यह पूरा मसला है क्यों और क्यों बीफ बैन और बवाल शुरू हुआ है। बैन के बाद भी बट रहा है बीफ, हो रही है गौहत्या, रुकेगा यह सिलसिला या मचेगा बवाल। यह मेघालय की पहली यात्रा पर बीजेपी के प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह पहुंचे हैं, जहां उनके अपने कार्यकर्ता ही बीफ बैन को लेकर के उनका विरोध कर रहे हैं, और उनके विरोध में मेघालय में एक बीफ पार्टी का भी आयोजन किया गया है, जहां बीजेपी कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर एक बीफ पार्टी का आयोजन किया गया है। क्या है पूरा मसला और क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से बीफ पर प्रतिबंध और अन्य राज्यों में भी बीजेपी के इस तरह के प्रयासों का मेघालय में पार्टी के कुछ कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरे पर कुछ लोगों ने विरोध जताने के लिए बीफ पार्टी और बंद का भी आयोजन किया है। मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष खलूर सिंह लिंगदोह ने कहा है कि विरोध में तो हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन बीफ पर प्रतिबंध के हम खिलाफ हैं। मेघालय में बीफ और पोर्क खाया जाता है। बीफ पर रोक के लिए कानून बनाना या नहीं बनाना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बीजेपी की राज्य यूनिट अमित शाह को अपनी राय बताएगी कि देश भर में बीफ पर प्रतिबंध लगाना सही रणनीति नहीं है। इस बीच थमायूं रांगड़ी जोकी यानी कि TUR ने ऐलान किया है कि राज्य की राजधानी में बीजेपी कार्यालय के नजदीक बीफ पार्टी आयोजित करेगी। इस दौरान लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष आदर्शों पर संघ परिवार के हमले पर चर्चा की जाएगी। TUR ने अपने सदस्यों से बैनर, पोस्टर और बीफ बर्गर लाने को कहा है। उन्होंने बताया कि बीफ पार्टी सिर्फ गोमांस बर्गर या गोमांस सूप साझा करने के लिए नहीं है, बल्कि इस मंच पर पार्टी के खिलाफ गाने, बैनर और पोस्टर भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साधा न्यूज। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए ना सिर्फ बीफ बैन का विरोध किया गया बल्कि बीजेपी को भी घेरे में लेने की कोशिश की गई। हमारी संस्कृति में गाय को मां माना गया है, माता का दर्जा दिया गया है, और यदि गाय पे किसी भी तरीके के हमले होते हैं या बीफ को लेकर या गौ हत्या को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी कदम उठाया जाता है तो पूरा हिंदू समाज जो है वो उद्वेलित होता है, पूरा इसका विरोध करता है। हम बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं दिल्ली में, वहां सुनते हैं आचार्य धर्मेंद्र जी क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पे। चलते हैं आपको दिल्ली में, सुनाते हैं आचार्य धर्मेंद्र जी को। पशुओं न गावा, तिल धान्य नहीं है, गाय पशु नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका मूत्र और गोबर औषधि हो और एक बीमारी नहीं,
सहस्रों बीमारियों का नाश करता है गोबर गोमूत्र का प्रभाव जो है। तो एक अर्थ तो यह है कि हिंदुत्व यानी 33 करोड़ जो देवी देवता थे उनका प्राण गोमाता है। दूसरा अर्थ यह है कि संसार के सारे देवी देवता संपूर्ण देवता मिलकर के जितना प्राणियों का मनुष्य का सृष्टि का उपकार नहीं कर सकते उतना अकेली गोमाता करती है। जी हाँ, तो ये चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं विजय शंकर तिवारी जी और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तिवारी जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि आपने बयान सुना अभी और अभी आपने वो रिपोर्ट भी देखी जिसमें बीफ बैन को लेकर के जो है पूरा विरोध जताया जा रहा था, क्या कहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से बीफ बैन को लेकर के नॉर्थ ईस्ट खासतौर पर और केरला नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं हमारे जहां पर बीफ पे कोई बैन नहीं है और वहां से इस तरीके की खबरें जो है लगातार आती ही रहती है, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? मुकेश जी, अभी आचार्य धर्मेंद्र ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत में गाय को पशु नहीं माना जाता है। बिल्कुल, भारत में गाय को प्राणी, ऐसे प्राणी जो पूज्य प्राणी माना जाता है। और वास्तव में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो गाय का विषय है, ये जो धर्मनिरपेक्ष एक विषय हमारे देश में बड़े चल रहा है, तो ये धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आने वाला विषय नहीं है। गाय भारत की समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ विषय है। भारत गाय का अर्थशास्त्र है। भारत गाय जो गाय है भारत में वो अध्यात्म का विषय है। और वास्तव में भारत में बड़ी मानसिकता है और बहुत पुरातन और प्राचीन मानसिकता है कि जो जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है उसको हम देवता मानते हैं और उसमें से कुछ चीजों को उसके ऊपर उठा दिया, हमने माँ का स्थान दे दिया। हमने भारत को हमने माता कहा, हमने गंगा को माता कहा, हमने तुलसी को माता कहा, हमने गाय को माता कहा। तो गाय को हमने जब माता कहा तो उसके पीछे कारण केवल यूं ही माता कहने का नहीं है। एक बात मुकेश जी आपको ध्यान में होगा, भारत में कहावत प्रचलित है, पूत कपूत भले ही हो जाए माता कुमाता कभी नहीं होती। तो ये स्थान है माँ का। विजय शंकर जी, यही बात मैं कहूंगा, काले हिरण के शिकार पे भी रोक है, उसका कोई शिकार करता है? आप देखे बहुत ही चर्चित मामला है सलमान खान का, जो अभी तक जो है केस उनके खिलाफ चल रहा है और उनकी परेशानी बनी हुई है। लेकिन गाय के मामले में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? गाय के मामले में ऐसे देशव्यापी कोई कानून क्यों नहीं बनता? क्यों ये स्टेट का विषय बन के रह गया? और इसके लिए जिस तरीके की मांग होनी चाहिए, जिस तरीके से आप गाय को पूछते हैं, हम सभी गाय को पूछते हैं, हमारे संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और वो पशु नहीं मानते जैसा कि आचार्य धर्मेंद्र जी भी बता रहे थे, तो इस तरीके का कोई अप्रोच आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं किया जाता है कि केंद्र सरकार मजबूर हो जाए कोई ऐसा मजबूत कानून बनाने के लिए ताकि गो पे ब्लैंकेट बैन हो जाए पूरी तरीके से? देखो, इसको लेकर के, गाय को लेकर के भारत में बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं और इन आंदोलनों में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। और इसके बाद भी भारत में एक जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है मुकेश जी, इस राजनीति के कारण एक बड़ा संभ्रम खड़ा हो गया है कि अगर हम गाय को मानते हैं, पूजते हैं, गाय के दूध को मंच के बाहर जाकर उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन जब वो मंच पर जाकर बात करेंगे तो गाय के मांस के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम गाय के पक्ष में रहे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। और वो वोट का जो वोट बैंक है वो खोने का हमेशा भय सताता रहता है, इसके कारण ये संकट खड़ा हुआ है। गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है, अब गाय वोट भी देगी, क्या कहेंगे आप? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ये? देखो मेरे भाई, सच सच ही होता है, चाहे वो तिवारी जी के सामने आए, आचार्य प्रमोद कृष्णम के सामने आए, आचार्य धर्मेंद्र के सामने आए। गाय को माँ कहा गया है, उसके दो कारण हैं जैसे वक्ताओं ने कहा। एक तो है गाय, हमारे शास्त्रों में गाय को बहुत ही अलग तरह का सम्मान दिया गया है, तो उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। दूसरी बात है कि हमें ऐसा लगता है कि ऋषि मुनियों ने ये इस देश के प्राचीन काल में शायद गाय को माँ का दर्जा, गाय को पूजनीय जो बताया गया है, उसके पीछे कारण रहा होगा, क्योंकि गाय का
दूध, गाय का घी, गौमूत्र, गाय का गोबर, ये सब जो हैं लाभदायक हैं मनुष्य के जीवन के लिए। और अब सवाल उठता है कि जहां तक राजनीतिक इसमें मामला आता है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गाय को हिंदू और मुसलमानों में ना बांटा जाए, क्योंकि जितना गाय का दूध हिंदुओं के बच्चों को के लिए फायदेमंद है, उतना ही मुसलमानों के बच्चों के लिए फायदेमंद है। और इस बीच हमारे साथ उज्जैन के सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी जुड़ गए हैं। स्वागत है चिंतामणि जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा देहरादून से हमारे साथ जो है मौलाना साहब जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मौलाना सजर साहब है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं मालवीय जी के पास कि मालवीय जी आप बताएं, सरकार आपकी चल रही है यहाँ पे और आप ही के सरकार के द्वारा बैन भी इम्पोज किया गया है। आपके जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है उसमें तो बैन है, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई कानून मजबूत नहीं होने के कारण दूसरे स्टेट जहां पर बैन नहीं है उस तरफ वहां पर आपको विरोध झेलना पड़ रहा है। और वहां भी वहां पर जो है गौ माता असुरक्षित है, सुरक्षित कैसे करेंगे गौ माता को वहां उन स्टेट में जहां पर बैन नहीं है? जी, भारत के 29 राज्यों में से केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहां इस गौ हत्या पर रोक नहीं है। और नहीं मालवीय जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, करीब 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बैन नहीं है। नॉर्थ स्टेट के 7 है और इसके अलावा वेस्ट बंगाल है जहां पर नहीं है, केरला में बैन नहीं है और लक्षद्वीप जो एक अपना केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी बैन नहीं है। जी बिल्कुल मालवीय जी, हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां बैन नहीं है वहां की जो दूध उत्पादन की स्थिति है वो बहुत कमजोर है, और जहां बैन है वहां दूध उत्पादन बहुत ज्यादा है। तो वास्तव में तो वहां भी रोक होना चाहिए और गो हत्या पर पूरे देश में समान रूप से रोक होना चाहिए और इसका एक कानून बनना चाहिए। बिल्कुल मालवीय जी, आप दूध उत्पादन से इसको जोड़ रहे हैं और उधर दूसरी तरफ जो इसके फेवर में जो लोग हैं वो उसको मीट उत्पादन से जोड़ रहे हैं, पिंक रिवोल्यूशन से जोड़ रहे हैं। और अभी लोकसभा में जो एक रिपोर्ट पेश हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि मोदी सरकार के 6 महीने के बाद से जो कम वाणिज्य मंत्रालय ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी उसमें 15% का इजाफा दिखाया गया था मीट के एक्सपोर्ट में। तो और उससे जितना पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो मिल्क प्रोडक्शन से जो पैसा आता है आपको उससे कहीं 20 गुना ज्यादा पैसा आपको इस मीट के एक्सपोर्ट से आता है। तो क्या कहीं ना कहीं एक बाजारवाद भी इसके पीछे एक कारण आप मानते हैं जिसके कारण ये बैन लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? नहीं, इसका कारण बाजारवाद नहीं है, देश में और भी बड़े कारण है जिसमें हमारी जो सरकार है मोदी सरकार वो लगी है। और इसके बाद निश्चित रूप से गो हत्या पर भी रोक केंद्र लगाएगा, लेकिन जहां हमारी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी गुजरात हो, हमने बहुत कड़ाई के साथ गो हत्या पर रोक लगाई और निश्चित रूप से कुछ समय बाद केंद्र में भी पूरे देश में समान रूप से गो हत्या पर रोक लगाई जाएगी। मालवीय जी, दो चीजें हैं, आप केंद्र में कह रहे हैं समान रूप से पूरे देश में बैन लगाया जाएगा लेकिन एक्सपोर्ट पे बैन करने की बात नहीं की जा रही, आप लोग केवल गौ हत्या पे बैन करने की बात कर रहे हैं। देश के भीतर गौ हत्या नहीं हो, देश के भीतर बीफ का सेवन नहीं करे कोई, लेकिन आप एक्सपोर्ट करेंगे और कोई अगर एक्सपोर्टेड आपके यहां से जो मीट एक्सपोर्ट किया जाता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इससे व्यापार काफी अच्छा हो रहा है, इससे पैसे काफी आ रहे हैं। अगर आप लोकसभा में जो सीतारमन जी ने जो अपना आंकड़ा पेश किया था अगर मैं उसको सुनाऊं तो 2011-12 में के दौरान जो है 13,741 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था, जो 13-14 में बढ़ के 26,457 करोड़ रुपया तक पहुंच गया था। और इसको इतने बड़े पैसे के व्यापार को, इतना बड़ा व्यापार को रोक पाना सरकार के हित में नहीं। आपको मैं एक बयान मैं आपको सुनाऊंगा, ले जाऊंगा सीधा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनके पास ले जाऊंगा, वीरप्पा मोइली के पास ले जाऊंगा, उन्होंने जो कहा है पहले उसको सुनाते हैं उसके बाद से हम इस जो चर्चा है उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वीरप्पा मोइली ने इसी से रिलेटेड जो है उन्होंने बयान दिया है अपना। All the things you know which should not be governed by any emotional criteria. The factors to govern some of these exports and all should be on an economic criteria. This will ultimately affect the, you know, the economy of the country. The export, it will affect the export business of the country. It should be looked at with that angle. And you know there, you know, so this the agenda of saffronization cannot be injected into the economic scenario and the country is ultimate।
जी हाँ, वीरप्पा मोइली बोल रहे थे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसको सीधे तौर पर ही देखना चाहिए। इसी तरह तरीके का बयान जदयू के जो सांसद अली अनवर साहब हैं उन्होंने भी दिया था, वो बयान भी आपको ले चलेंगे, आपको अली अनवर साहब के पास भी ले चलेंगे। लेकिन स्टूडियो में हमारा मेहमान है, उनसे हम जानना चाहेंगे। विजय शंकर जी, जिस तरीके से वीरप्पा मोइली साहब बता रहे थे कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, क्या लगता है जो सही में अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए सरकार को बैन लगाने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, एक तरह से केंद्र सरकार की ओर से कोई बैन लगाने की पहल नहीं की जा सकी है? मैं भी यही बात कह रहा हूं कि भारत में गाय को माता कहा गया है, उसको पूजा गया है, उसके पीछे कई कारण है। प्रमोद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो तो साधना के व्यक्ति हैं और धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी साधना है आपकी, और वो ज्यादा अच्छा इस विषय पर डालेंगे। लेकिन तो भी ये गाय जो है वो भारत के अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ रहा है। मैंने बात कही आपको कि केवल गाय के मांस को जब आप लेते हैं तो कहते हैं ना कि मुर्गी खाओगे कि अंडा खाओगे, तो मुर्गी खा लोगे तो अंडा लगातार जो मिलने वाला अंडा है वो आपको नहीं मिलता, लगातार मिलने वाली समृद्धि आपको नहीं मिलती है। आज भी भारत के गाँव में बिल्कुल अब आज भी मुकेश जी भारत के गांव में बिल्कुल विजय शंकर जी आपके पास मौलाना सदर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, उनके पास चलेंगे देहरादून से मौलाना सदर साहब। चले मौलाना साहब, क्या कहेंगे, ये सही में अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इस पे बैन नहीं लगना चाहिए या कोई और भी मसला देखते हैं आप इसमें? हेलो जी मौलाना साहब, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। लोग मौजूद हैं मौलाना साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? मेरा उनसे एक सवाल है, जो आप गाय पर प्रतिबंध लाने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर पशुपालन और गाय को पालने वाले अधिकतर लोग कौन हैं? जी आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं। आचार्य जी से मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। आचार्य जी बताएं कौन है? देखिए मेरी बात पहले सुने तब जाके मुझसे सवाल करें आप हजरत मौलाना साहब। मैंने ये कहा है कि गाय का दूध केवल कहना चाहता हूँ कि जो प्रतिबंध लगाने की बात है, कई राज्यों में प्रतिबंध लगा हुआ है और उन राज्यों में भाजपा के बड़े बड़े सपोर्टर्स आपने सवाल पूछा है तो जवाब भी ले ले उनके बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल पूछा है जवाब ले ले, जवाब दे रहे हैं आचार्य जी। देखिए पहले तो मैं इस विषय को हिंदू और मुसलमान से जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि गाय जितना हिंदुओं की है उतना ही मुसलमान की है। गाय ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के बच्चों को दूध अच्छा देती है और मुसलमानों के बच्चों को दूध नहीं देती होगी, नंबर एक। नंबर टू, मैंने तमाम देश के बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं मैंने उनसे चर्चा की, मौलाना तौकीर अजा खान साहब बरेली साहब मैंने चर्चा की, मौलाना जब्बार साहब से चर्चा की, मैंने कल्बे जब्बार साहब से चर्चा की, तो उन्होंने भी ये कहा है कि गाय के दूध में शिफा है। ऐसा स्पष्ट मुस्लिम धर्म ग्रंथ में आया है कि गाय के दूध में शिफा है और गाय का जो गोश्त है वो नहीं खाना चाहिए, उसमें बीमारी है। तो इसका मतलब है कि उनका भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि गाय के कारोबार से, गाय के मांस के कारोबार से मैं बिल्कुल सहमत हूं मौलाना साहब की बात से कि कुछ इसमें मुसलमान ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हिंदू भी इन्वॉल्व हैं और ऐसे हिंदू इन्वॉल्व हैं जो गौशालाएं चलाते हैं और वो गौशालाएं जो चलाते हैं वो गायों को ट्रक से पुलिस की मार्फत पकड़ के अपनी गौशालाओं में लाते हैं और दुगने रेट पे फिर उन्हीं को बेच देते हैं। तो इस बात से मैं सहमत हूं मौलाना साहब की, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस विषय को हिंदू और मुसलमान का ना बना करके आचार्य जी आपसे बात, गाय से हमारी भावनाएं मुकेश जी लेट मी कंप्लीट, गाय से बात का सवाल मेरे पास आ गया है और कोई भी धर्म में किसी भी दूसरे पूरी चर्चा है, इस पूरी चर्चा का जो आपका उद्देश्य था वो मेरे सवाल के जवाब में आचार्य जी ने दे दिया है। आपको मैंने सुना है, इस्लाम को जाना है तो इस्लाम में इस बात की साफ सफाई है कि किसी भी धर्म को जब तक वो पढ़ के मानने वाले का दिल अगर दुखता है तो आप उस पर माता मानते हैं, बदले जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको एक कुरैशी के हाथ बेच दिया जाता है, इस चीज पर भी प्रतिबंध लगे। हाँ, लेकिन जहाँ उद्भव हुआ वहाँ पर गाय नाम का कोई पशु नहीं होता था, वहाँ भेड़ होती थी, बकरी होती थी, ऊंट होता था, लेकिन गाय नहीं होता था, इसलिए उसमें कोई स्पष्ट ऐसा नहीं है, ये धार्मिक मामला नहीं है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं
हुमायूं बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को ये लिखा है उसके सीक्रेट टेस्टामेंट में। मौलाना साहब, गाय हिंदुओं के लिए आर्थिक विषय भी है और धार्मिक विषय भी है। हिंदुओं के लिए ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा विश्वास है। जैसे आपका विश्वास आपकी कुरान पर है, पवित्र कुरान पर है, वैसे ही हमारा विश्वास हमारी माता गाय पर है। हमारा विश्वास है केवल आर्थिक आधार नहीं, हम आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं। एक एक बोलिए ताकि आपकी आवाज आए, ताकि जो आप कहना चाहते हैं जनता पर, जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंच पाए। ये धार्मिक मसला यदि होता तो चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो या उसका बेटा शाहजहां हो, कोई भी इस पर रोक नहीं लगाता। इवन यहाँ तक कि टीपू सुल्तान ने भी अपने राज्य मैसूर में गो हत्या पर रोक लगाई है। तो जितने महत्वपूर्ण मुस्लिम शासक हुए हैं उन्होंने गो हत्या पर रोक लगाई है, इसलिए ये धार्मिक विषय नहीं है। मैंने कहा ये हमारे लिए पवित्र विषय है, हमारे लिए धार्मिक विषय है, ये हमने कहा, ये हमने कहा हमारे लिए धार्मिक विषय है। अगर हमारी धार्मिक भावनाओं को कोई विजय शंकर जी देता है तो अच्छी बात है। विजय शंकर जी, हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, अभी ले चलते हैं आपको अली अनवर साहब के पास। अली अनवर साहब क्या बोल रहे हैं इसी मसले पे? अली अनवर साहब, खाने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर हर किसी की अलग अलग राय है। हमारे साथ जदयू के अली अनवर हैं। अली अनवर साहब, जिस तरह से गौ मांस पर प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है, क्या लगता है आपको, सही है ये? देखिए, बीजेपी जो है और जो उसके विभिन्न नामधारी अनाम संगठन हैं, उनको गाय से कुछ भी लेना देना नहीं, इस पर उनको राजनीति करनी है। और पूरे समाज में एक विभाजन की रेखा खींचनी है, एक वातावरण को विषाक्त करना है। ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, विभिन्न धर्मों के लोग खाते हैं। अब चिकन मटन पर भी प्रतिबंध लगाओ, पूरा देश शाकाहारी हो जाए। चिकन और मटन की पूजा नहीं होती, गाय की पूजा होती है, एक धर्म विशेष उसकी पूजा करता है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के मसलों को छोड़ देना चाहिए? ठीक है, बहुत सारी चीजें खाने के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके पीछे उनको पूजा से कोई मतलब नहीं है। भगवान राम जी को, भगवान राम को अपने पार्टी का मेंबर बना लिया ये लोग। अच्छा, ऐसा है तो कहे नहीं, प्रतिबंध लगा दें एक्सपोर्ट पर, तो एक्सपोर्ट जारी रहेगा। विदेश से उसी गाय माता को, भैंस को काट करके विदेश एक्सपोर्ट होगा मांस, लेकिन यहां नहीं लोग खाएंगे। तो ये मुसलमान से क्या है भाई, बहुत सारे जो दूसरे लोग खाते हैं। तो अली अनवर साहब का साफ कहना है कि इस तरह के मसले विवाद को जन्म देते हैं और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इस तरह के विवादों को बनाए रखना चाहती हैं ताकि उसके बूते पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। कैमरा पर्सन नदीम के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, साधना न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, ये हमारी संवाददाता नीलम थी जो की बात कर रही थी अली अनवर साहब से। सुन रहे होंगे आप सारे मेहमान, मालवीय जी के पास जाना चाहेंगे सीधा। मालवीय जी, सीधा आप पे निशाना है अली अनवर साहब का, वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पे गाय से मतलब नहीं है, गाय के नाम पे राजनीति कर रही है बीजेपी। इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है और कोई इसमें धार्मिक विषय नहीं, क्योंकि मुसलमानों के लिए गाय को काटना या गाय गो हत्या करना या गाय का मांस खाना कोई कंपल्सन नहीं, कोई धार्मिक विषय नहीं है। और क्योंकि अरब में गाय नहीं होती इसलिए उससे कोई जुड़ा हुआ मामला नहीं है। सिर्फ ये कि गाय यहाँ का, इसने 80 करोड़ हिंदुओं की भावना का विषय है और इसलिए उसको मान्य करना चाहिए। और मैंने बाहर जितने महत्वपूर्ण मुस्लिम शासक है उन्होंने सबने हिंदुओं की इस भावना को माना, चाहे हुमायूं हो, बाबर हो, अकबर हो, शाहजहां हो या खुद टीपू सुल्तान हो, उन्होंने इस बात को माना है और कहा है कि हमारे राज्य में गो हत्या नहीं होगी। तो ये विषय जो है वो उनकी धार्मिक भावना से नहीं है। इवन उनको ये अगर गो हत्या का समर्थन जी मालवीय जी एक सवाल करते हैं तो मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम और उठाया है अली अनवर साहब ने, उन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट जारी रहेगा, तो ये किस तरीके का प्रतिबंध है कि आप अपने यहाँ बंद कर दो गो हत्या और बाहर में गो हत्या होने दो और उसका वहां से यहाँ से एक्सपोर्ट करते रहो? एक्सपोर्ट पे बैन क्यों नहीं करते हैं आप लोग, एक्सपोर्ट पे बैन करने की मांग क्यों नहीं करते हैं? ये सारे कानून और सारे ये सब कांग्रेस के जमाने में हुए, कांग्रेस के शासन में हुए है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम निश्चित रूप से, इवन कांग्रेस ने तो 13% की सब्सिडी भी मांस निर्यात पर रखी है मालवीय जी, लेकिन आपके 6 महीने के कार्यकाल में एक्सपोर्ट 15% बढ़ गया।
आप ही के मोदी सरकार के कार्यकाल में के 6 महीने में ही 15% जो है कारोबार बढ़ा है। जी हाँ, लेकिन ये सारी प्रक्रिया तब से शुरू होती है। अब कोई भी जैसे कोई चक्का यदि चलाते हैं और कोई कुम्हार जब चक्का चलाता है बर्तन हटा लेता है और हटा भी ले अपनी लकड़ी तब भी चक्का घूमता रहता है। तो अभी कांग्रेस का चक्का घूम रहा है, हम धीरे धीरे इसको चक्के को रोक करके प्रमोद कृष्ण जी शासन व्यवस्था लगाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या कहेंगे आप, ये आप पे सीधे तौर पर इल्जाम लगा रहे, कांग्रेस पे इल्जाम लगा रही है। नहीं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, न मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं श्री कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में आपके बीच में आया हूँ, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूँ। बिल्कुल, पहली बात तो मुझे ये कहना है कि मुसलमान जितना गाय से और मीट से कारोबार से जो जुड़ा है वो बहुत चंद लोग हैं, 2-4% भी नहीं है जो जिनकी मीट की फैक्ट्री है, जिन जो एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी मुसलमान तो बेचारा वो गरीब है, उसे तो और मीट महंगा कर रहे हैं, ये जितने स्लॉटर हाउस हैं इन पे बैन करना चाहिए पूरे देश के अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा से थोड़ी शिकायत है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोगों ने सबने संतों ने मिलकर हरिद्वार से दिल्ली में एक आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें बात की थी, तो वहां ये कहा गया था, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि क्योंकि कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी वो विदेशी हैं और वो गाय का मांस और उनके लोग जो खाते हैं, तो इसलिए गाय के बद पर प्रतिबंध नहीं हो रहा। लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं मालवीय जी के मार्फत देश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों नहीं जब छोटी छोटी बातों में ऑर्डिनेंस ले आते हैं आप, तो गाय के वध पर प्रतिबंध पूरे देश में आप क्यों नहीं लगा रहे? आपको लगाना चाहिए क्योंकि हमारी भावनाओं से जुड़ा विषय है। और कोई मुस्लिम धर्मगुरु ये नहीं कह सकता है कि अगर हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं तो वो मुसलमानों के धर्म के अंदर जाए। मुझे कोई मौलाना कोई उलमा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि गाय को काटने के लिए इस्लाम के अंदर इजाजत दी जाती है, मुझे नहीं मिला कोई। और मुझे ये भी हैरत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि साहब हम चक्का घूम रहा है कांग्रेस का। अगर कांग्रेस ने गलत किया तो कांग्रेस को देखने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपका जवाब को कांग्रेस और बीजेपी में ना बांटे, हिंदुओं के लिए उतना ही मुसलमानों के बच्चों के लिए गाय का दूध जरूरी है। जी बताए, और गाय के वध पे प्रतिबंध के लिए कई मुसलमान लोग हैं जो एक फिरोज खान है संबल में, वो आंदोलन चला रहे हैं, बहुत मुसलमान हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, आपकी आपकी बात का जवाब देंगे हमारे साथ मौलाना सजर जी है वहां से। बताए सर, प्रमोद जी जो कह रहे हैं कहां तक सहमत हैं आप उनसे? मौलाना सजर साहब देखिए, जो लोग प्रतिबंध की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में आस्था का केंद्र है गाय, इसलिए उसको प्रतिबंधित किया जाए उसकी कटाई को। दूसरे मजहब में कल यहूदी कह देंगे हमारे यहाँ पर ये प्रतिबंधित है, इसको भी बंद किया जाए। मैं कह रहा हूँ इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम है, आप प्रतिबंध कर दीजिएगा। हम तो शराब को कह रहे हैं इसे इसे प्रतिबंध कर दीजिएगा। शराब जितना मुसलमानों को नुकसान देती है उतना हिंदुओं को नुकसान भी देती है। मेरी समझ में बात नहीं आती, हिंदू और मुसलमान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। धार्मिक अगर एक एक कोई काम करेगा पूजा नहीं कर सकता, दूसरे को दुख होगा, तो ये कैसा मजहब है? शराब पीकर आदमी गुरुद्वारे में नहीं जा सकता, शराब पीकर आदमी चर्च में नहीं जा सकता। क्यों खुलेआम बेच रहे हैं आप, क्यों बिकवा रहे हैं इसको ही बंद? हम नहीं बिकवा रहे, हम तो कह रहे हैं शराब को प्रतिबंध कीजिएगा। तो बात पैदा होगा, आप तो कहते हैं शराब को प्रतिबंध कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल कीजिएगा, आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने को तैयार है। हजरत कारोबार, और जितने मुस्लिम धर्म गुरु हैं बड़े बड़े वो सब मानते हैं गाय को काटना और गाय की स्वच्छता के लिए कानून बनाया जाए। बिल्कुल, अपने मेहमानों को एक और बता दूं कि असद खान हमारे साथ मौलाना है शाही मस्जिद इंडिया गेट के, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं हमारे साथ। मौलाना साहब स्वागत है आपका। असद खान जी, अगर आप हमारी बात को इस चर्चा को सुन रहे होंगे, असद खान जी तो बताएं, जिस तरीके से बैन की बात की जा रही है, जिस तरह से बीफ पे बैन को लेकर के बवाल मचा हुआ है, अमित शाह के प्रेजेंस में मेघालय में बीफ की पार्टी दी जाती है और पूरे देश में बैन की मांग की जा रही है, और इसके बावजूद जहां पर बैन नहीं लगा हुआ है वहां पर बीजेपी को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और वहां पर पार्टी दी जा रही है, आपको क्या लगता है, बीफ पे ब्लैंकेट बैन होना चाहिए या इसको यूं ही चलते रहना देना चाहिए? नहीं, बीफ पे आज पहली बार तो बैन नहीं लगा है, इससे पहले भी बहुत जगह पे बिहार में बैन है और दूसरे स्टेट में बैन हो चुका है। अब अगर महाराष्ट्र ने इसको बैन करा या और आगे साउथ में अभी बैन नहीं है। देखिए, बीफ को गाय का मसला यह है कि उसमें हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, तो हमें अब बैन नहीं है, बाकी जगह बैन है। बिल्कुल,
मैं वही कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि गाय के साथ हमारे हिंदुओं भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर हमारे जिस तरह हमारे अगर किसी चीज से आस्था जुड़ी हुई हो और अगर वो उसके खिलाफ काम करेगा तो हमें तकलीफ होगी। मैं सर सैयद अहमद खान ने 1867 में ये सुनिए अच्छी बात आपने कही है सर सैयद अहमद खान ने 1867 में ये कहा था कि अगर मुसलमानों के गाय ना खाने की वजह से हमारे हिंदू भाई खुश हो जाते हैं तो मुसलमानों को चाहिए कि गाय खाना छोड़ देना चाहिए सिर्फ अपने हिंदू भाइयों की खुशी के लिए। और इससे पहले अगर आप जाएंगे हम अगर तारीख और हिस्ट्री में देखते हैं तो बाबर ने हुमायूं को ये वसीयत की थी कि तुम इस बात का ख्याल रखना कि मुसलमान गाय के दबा ना करे क्योंकि इसमें हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। तो जब अगर किसी चीज से किसी व्यक्ति की आस्था जुड़ी हुई हो तो हमें चाहिए इस्लाम मजहब दूसरों की अकीदे के इज्जत करने की बात करता है। इस्लाम कहता है कि अगर दूसरे के हम भी सहमत है आपसे और एक इस बीच आपको चूंकि कहाँ पे बैन है कहाँ पे नहीं बैन है इसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है। हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के किस राज्य में बीफ पे बैन है और कहाँ पर बैन नहीं है और साथ ही हम यह भी बताएंगे आपको कि कहां पे किस राज्य में इस बैन का उल्लंघन करने पर किस तरीके की सजा है। ये कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ में कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा इशू ये नहीं है कि किस स्टेट में बैन है या नहीं है, हमारा इशू ये होना चाहिए कि हमारी मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है जहां पर बीफ पर बैन नहीं है, जहां गो हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब मैं कुछ वैसे राज्यों को बता जहां आंशिक बैन है, बिहार झारखंड आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक गोवा और चार केंद्र शासित प्रदेश है गोवा दादर नगर नागर हवेली पांडिचेरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हरियाणा में सबसे ज्यादा 1,00,000 रुपए का जुर्माना है यदि आप इस बैन को तोड़ते हैं या उल्लंघन करते हैं तो 1,00,000 का जुर्माना और 10 साल की जेल है। महाराष्ट्र में इसी पे केवल 10,000 का जुर्माना है और 5 साल की जेल की सजा है। अन्य राज्यों में भी 5-5 साल की कैद है। और एक चीज मैं और बता दूं यहां पे कि जुर्माना का प्रावधान तो है ही राज्यों में और ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है। जिस जिस राज्यों में ये कानून लागू ये बैन लागू है वहां अगर आप इसको तोड़ते हैं तो आपको सजा तो मिलेगी ही और आपकी गिरफ्तारी तत्काल होगी। नॉन वेलेबल ऑफेंस के तहत इसको रखा गया है। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ है, आपसे बात करेंगे। असद खान साहब तिवारी जी, असद खान साहब बता रहे थे कि जो हमारे मुस्लिम शासक हैं वो भी गौ हत्या पर प्रतिबंध उन्होंने भी लगाया था और अपने अपने राज्यों में गौ हत्या नहीं हो इसका प्रावधान किया था, इसकी व्यवस्था की थी। आखिर क्या बात है कि जब एंशियंट एज से इस तरीके का बैन चला आ रहा है फिर भी जो हमारा देश है उस पर केंद्र की ओर से कोई वैसा कानून नहीं इंपोज किया गया, वैसा कानून नहीं बनाया गया है। बिल्कुल हम असद खान से भी बात करेंगे, पहले तिवारी जी से बात करेंगे। तिवारी जी आपसे पहले असद खान जी के पास जाएंगे, हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। असद खान जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बैन की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, उससे पहले ही हम तमाम मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि अगर हमारे हिंदू भाइयों को गौ हत्या से तकलीफ होती है गौ काटने से तो हमें उससे बाज आ जाना चाहिए था, हमें नहीं करनी चाहिए थी। ये तो सरकार को, ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ा और बैन करना पड़ा। अगर बिल्कुल असद खान साहब आपकी बात हम करेंगे। चिंतामणि मालवीय जी उज्जैन के सांसद हमारे साथ हैं, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं। जी मालवीय जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मौलाना साहब की इस बात से सहमत हूं कि ये मुसलमानों की तरफ से बहुत इस पर आपत्ति नहीं है, जिनको आपत्ति है वो केवल कम्युनिस्ट हैं और ये सारा जो बीफ फेस्टिवल चला रहे हैं इसके पीछे कम्युनिस्ट हैं और उन्हीं राज्यों में ज्यादा है जहां कम्युनिस्टों का प्रभाव है, चाहे वो केरल हो या पश्चिम बंगाल हो या त्रिपुरा पूर्वोत्तर के क्षेत्र हो त्रिपुरा हो, तो वही है जहां कम्युनिस्टों का प्रभाव है क्योंकि कम्युनिस्ट इस देश में एकता नहीं चाहते, समन्वय नहीं चाहते और इसीलिए इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और कोई इसका वहां बिल्कुल बिल्कुल करके उनका प्रयास इस देश की हारमोनी को समन्वय को बिगाड़ना। बीच हमारे पास हम चलते हैं हरिद्वार, वहां पर हम आपको सुनाते हैं स्वामी सत्यमित्र जी क्या कह रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी कल ही इन्होंने अवधेशानंद जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की है। उनके पास चलते हैं, देखते हैं गो माता पे उनके क्या विचार हैं।
इसलिए कोई भी जाति का व्यक्ति हो उसे गाय के प्रति असम्मान प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं। और मैं तो कहूंगा बड़ी दृढ़ता पूर्वक गोहत्या निषेध का केंद्रीय कानून बनना चाहिए और जो लोग गोहत्या करते हों उनको न्याय दिलाने में बहुत देर नहीं, तुरंत उनको सजा होनी चाहिए। और उन्होंने कोई अपराध करते हुए उनके ट्रक जहां ट्रक मिलेंगे तो ट्रक जब्त कर लेने चाहिए। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो गाय का मांस परसेंगे वो तो देश के बड़े अच्छे। ये सत्यमित्र जी से जो कि गाय माता के बारे में बता रहे थे कि ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, जो एक्सपोर्ट करते हैं जो इस धंधे में है उन पे भी प्रतिबंध होना चाहिए। असद खान साहब बता रहे थे कि मुसलमान काफी सपोर्टिव हैं और मुसलमान जो है इस पे पहले से भी चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज इस चर्चा में छूट रही है कि केवल हमें यह नहीं मानना चाहिए कि केवल मुसलमान ही है जो कि बीफ का सेवन करते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और बहुत सारे ऐसे हिंदू भी हैं जो कि बीफ का सेवन करते हैं। खासतौर पर बॉलीवुड के स्टारों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अभी बीच में मामले आए थे और ट्वीट जरिए काफी विवाद भी बढ़ा था कि बॉलीवुड के स्टार्स खुले तौर पे ना सिर्फ बीफ का सेवन करते हैं बल्कि जो जब कानून महाराष्ट्र में ये इंपोज किया गया था, बैन लगाया गया था बीफ पे, तो उसके बाद सबसे ज्यादा विरोध के जो स्वर उठे थे वो बॉलीवुड की तरफ से ही थे। हमारे पास कुछ ट्वीट भी हैं, उस ट्वीट को भी हम दिखाएंगे, लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। विजय शंकर जी बताएं, क्या आपको लगता है कि बीफ को बैन कर देने से केवल, या बीफ को बैन जो है केवल मुसलमानों के कारण करना चाहिए या जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके कारण भी, क्योंकि इसमें सभी कहीं ना कहीं बराबर के भागीदार हैं जो इसको बैन के खिलाफ बोल रहे हैं? देखो, जो बैन की बात हो रही है वो कहीं भी और किसी तरह से एक आवाज नहीं आ रही कि मुसलमान के लिए बैन कर देना चाहिए, ईसाई के लिए बैन कर देना चाहिए। बार बार एक ही मांग आ रही है, जो बीफ का समर्थन करते हैं उनके लिए बैन कर देना चाहिए, जो बीफ खाने की बात करते हैं उनके लिए बैन कर देना चाहिए, जो गौवध की बात करते हैं नहीं, वो कोई भी हो सकता है। मैं उसमें कह रहा हूँ कोई भी हो सकते हैं। देखो इस देश में बिल्कुल भी मुकेश जी, इस देश में असद खान साहब के पास चलेंगे। मैं एक 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 मिनट बाद बिल्कुल बिल्कुल मैं मुकेश जी, इस देश में अशफाकुल्ला को और अशफाकुल्ला खां की चित्र लगा करके अपने उस स्थान पर लगाते हैं जहां लोग पूजा करते हैं, लोग अब्दुल हमीद की फोटो लगाकर रोज रोज माला चढ़ाते हैं। और अभी हाल में हमारे देश के एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, सारे देश के एक स्वर से लोग उनका सम्मान करते हैं। असद खान जी बताएं, क्या बीफ पे बैन लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, पूरा ब्लैंकेट बैन होना चाहिए? देखिए, बैन तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हम तमाम 100 बल्कि सिर्फ उनकी ही नहीं आस्था जुड़ी हुई, उसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिनके जो गाय को एज अ माता की तरह देखते हैं या जिनके उनके लिए बहुत ही आस्था प्रकट करते हैं। तो अगर इस नजरिए से हम देखें तो अगर गाय को गौ हत्या जिसे हम कह रहे हैं अगर उस पर बैन किया जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि हमारे 100 करोड़ हिंदुस्तानी जो भाई हैं उनकी उसमें आस्था जुड़ी हुई है। और अगर किसी शख्स की और किसी इतनी बड़ी तादाद में मानने वाले लोग हैं तो हमें चाहिए कि इस पर कंप्लीटली तौर पे बैन करना चाहिए। और बैन ही नहीं करना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन भी सख्त और स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर कोई कहीं पकड़ा जाए। सदर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, उनसे भी जानना चाहेंगे। एक चीज मैं और इसमें कहना चाहूंगा आपसे, इसमें कि इसको प्लीज मुसलमानों के साथ जोड़ के ना देखा जाए, इसको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के तौर पे देखा जाए और उन लोगों को देखा जाए जो सपोर्टिव है गौ हत्या के और जो नहीं है। इसको हमारा डिस्टिंक्शन इस बुनियाद पे होना चाहिए, मुसलमान को और हिंदू को लेकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी वाला ये इशू है। इससे हमारे दूसरे लोग जो कि कम अक्ल लोग होते हैं वो प्रोवोक हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें इस तरीके के स्टेटमेंट से और बिल्कुल मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मालवीय जी, क्या इसको सही में रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको वोट बैंक से नहीं जोड़ना चाहिए, सीधे तौर पर गौ माता चूंकि हमारी संस्कृति का अंग है, हम उनसे गौ माता कहते हैं, सिर्फ इसलिए इनको ब्लैंकेट बैन करना चाहिए इनके गौ मांस पे? जी हाँ, मैंने प्रारंभ में ही कहा और कई बादशाहों के नाम बताए, इवन बहादुर शाह जफर ने सन 1857 में गो हत्या पर रोक लगाई, जब
क्रांति हुई, तो जब वो पावर में थे तब उन्होंने रोक लगाई, इसलिए सारे शासकों ने इसको हत्या पर रोक लगाई है। तो फिर तो ये धार्मिक विषय नहीं है, आपकी सरकार क्यों नहीं लगा रही है? ये राज्य सरकार का मसला है, राज्य सरकार अलग अलग बैन लगा रही, केंद्र की तरफ से कोई ऐसा कानून आए सीधा और बैन पूरे देश में बैन लगा दिया जाए, आपके हाथ में, आप ला सकते हैं? निश्चित रूप से ऐसा कोई रेजोल्यूशन आए जिसकी जिसके तहत जो है सभी देश में एक साथ बैन किया जा सकता है? अगर आप इस पर राजनीति करना नहीं चाहते हैं, अगर आप इसकी इसको वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहते हैं इस पर, तो आप सीधा बैन कीजिए उस पर। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी बात को निर्णयकर्ताओं तक पहुंचाऊंगा और ये होगा ही। मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जहां इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है वहां भी गोकशी पर रोक है और 10 साल की सजा है, और वहां दुग्ध उत्पादन भी बहुत ज्यादा, इसलिए निश्चित रूप से इसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। ये केवल कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं जो इस पूरे मसले को हवा दे रहे हैं और बीफ फेस्टिवल बना रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए। हमारे जो मौलाना असद साहब हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। ऐसे लोग हिंदुस्तान की एकता के लिए बड़े जरूरी हैं। अब मुसलमान भी कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए, हिंदू भी कह रहे हैं बैन होना चाहिए, तो फिर बैन करते क्यों नहीं? ये मालवीय जी, आपसे मेरा निवेदन ये है कि जब जम्मू कश्मीर में भी गौ हत्या पर पाबंदी है, उत्तर प्रदेश में पाबंदी है, हरियाणा में पाबंदी है, तो एक सेंट्रल लेवल पर ये फैसला आप कर दीजिएगा, ऑर्डिनेंस ले आइएगा कि गाय को काटने पर पाबंदी है। गाय को काटने पर पाबंदी क्यों है, क्यों नहीं लगनी चाहिए, सब जानती है सरकार, तो उसमें देरी क्यों है? आप उसको कराइए, क्यों नहीं कराते आप? या आंदोलन करना पड़ेगा आपकी सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर भी? आपकी सरकार तो हिंदुत्व के आधार पर है। जी मालवीय जी, जवाब दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से मुलायम सिंह की सरकार है, स्लॉटर हाउस बढ़े हैं और देश के बड़े, लेकिन गौ हत्या पर पाबंदी है वहां पर, बड़े स्लॉटर हाउस बड़े और गौ वध पर पाबंदी है। देश के 62 बड़े स्लॉटर हाउस में से 38 उत्तर प्रदेश में, स्लॉटर हाउस पर पाबंदी लगा दीजिएगा आप नेशनल लेवल पे। हम तो कह रहे हैं कि बूचड़ खानों पर पाबंदी लगा दीजिएगा आप, इससे गरीब मुसलमान भी खुश होगा। बूचड़ खानों से कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो मीट का कारोबार करते हैं, उनको फायदा पहुंचता है। गरीब मुसलमान को बूचड़ खानों से फायदा नहीं है, गरीब मुसलमान को मीट एक्सपोर्ट से फायदा नहीं है। आचार्य साहब, एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि अगर इन बूचड़ खानों पे प्रतिबंध लगा दिया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब मुसलमान हैं इस बूचड़ खाने के माध्यम से उनको जो है रोजगार मिल रहा है, उनसे मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, हिंदुस्तान का जो गोश्त है वो बाहर जा रहा है। गरीब मुसलमान तो ये चाहता है कि इन बूचड़ खानों पर पाबंदी लगे। अगर आज कोई आंदोलन खड़ा होता है तो हिंदुओं के साथ साथ ऐसे मुसलमान भाई हैं जो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में साथ देंगे। और बड़ी अफसोस की बात है कि केंद्र के अंदर इतनी सशक्त, इतनी ताकतवर सरकार है और फिर इस पे तमाम तरह की नाटकबाजी हो रही है। अरे आप लगा दीजिएगा पाबंदी, चलेंगे। संकट क्या है? नजर साहब, नजर साहब हमारे साथ हैं जी। मुझे बताओ पाबंदी लगाने में सरकार डर क्यों रही है? बिल्कुल, मौलाना सदर साहब के पास चलेंगे हम देहरादून, वहां उनसे जानना चाहेंगे। जी सदर साहब, बताएं आप क्या कहेंगे, जो पूरा आप सुन रहे हैं किस तरीके से ये बहस हो रही है ब्लैंकेट बैन को लेकर के बीफ पे, आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा काम है हमें वो तीन चीजों पे करना होगा। एक तो सबसे पहला काम हमें करना होगा कि बीफ हो या किसी भी प्रकार का मीट हो जो एक्सपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान से बाहर, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, नंबर एक। दूसरा ये कि गाय संरक्षण आयोग और बैल संरक्षण आयोग बनाया जाए, प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण हो, तभी गौ माता को सुरक्षित रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। केवल मीडिया के सामने कही जा रही है कि धरातल पर भी इसका प्रतिबंध रहता है। सबसे बड़ा संकट हमारे भारत में क्या है कि हम जब माइक के सामने, मीडिया के सामने आते हैं, प्रोत्साहन करेंगे, इसका लालन पालन कीजिएगा। बताएं बात क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक देखो अपनी बात राय क्या है, अपनी चाहिए नहीं, अपनी 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 बात कहने का सबको अधिकार है। लेकिन जब ये बात, तिवारी जी आपको बीच में रोकना चाहेंगे, श्याम जादू जी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पे। श्याम जादू जी, बताएं जिस तरीके से ब्लैंकेट बैन की बात की जा रही है और जरूरत महसूस हो रही है, आज आपके अध्यक्ष के सामने में मेघालय में इस तरीके का विरोध किया गया, वहां पर बीफ पार्टी दी गई, आप क्या अपनी सरकार से, नेताओं से आप ये मांग करेंगे कि इस पे ब्लैंकेट बैन करना चाहिए, केंद्र को दखल देना चाहिए इसमें? सवाल लोकतंत्र में अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, उनकी पद्धतियां हैं, वो कोई छीन नहीं सकता, वो इस देश के खूबसूरती है लोकशाही की। पर
जैसे हमारे हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, वैसे दूसरों की बात, दूसरों को बात सुनने का भी उनका अधिकार है। कोई भी रिएक्शन, सब लोग सहमत नहीं होते हैं राजनीति में, पर इसका मतलब आप इस प्रकार की बातें करेंगे कि जिसके कारण लोकशाही का एक स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो इसका तो कोई मान्य नहीं किया जा सकता। प्रमोद जी, सवाल पूछेंगे बीजेपी वाले से, कुछ आप पूछना चाह रहे थे? नहीं नहीं, मैं श्याम जाजू जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, नेता हैं बीजेपी के, मैं ये कह रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इसको कांग्रेस और बीजेपी, हिंदू और मुसलमान के बीच में क्यों लाया जा रहा? इसको हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। गाय को काटने पे प्रतिबंध लगना चाहिए, इसके लिए सैकड़ों हजारों मुसलमान कहते हैं, हमारे मुसलमान भाई तमाम तैयार हैं, क्योंकि गाय का दूध जितना हिंदुओं के बच्चों के लिए फायदेमंद है उतना ही मुसलमानों के बच्चों के लिए फायदेमंद है, और मुसलमान का बच्चा भी कोई पैदा होते ही बोटी नहीं मांगता है, उसे दूध चाहिए। तो अगर हिंदुस्तान के दूध को बाहर भेजा जाए, काट काट के उसके टुकड़े करके बाहर भेजा जाए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो क्यों नहीं, अगर कांग्रेस ने उसको राष्ट्रीय स्तर पर पाबंदी नहीं लगाई तो आप लगाइए, आपकी सशक्त सरकार है, आपसे हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप उस पर पाबंदी लगाएंगे, क्यों नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल मैं पूरा सहमत हूं। आज तक जनसंघ के जमाने से हमने गोहत्या का संरक्षण, गोहत्याबंदी रोकना और गोवंश का संरक्षण करना, यह हमारा सिद्धांत है, हम उससे जुड़े हुए हैं, हमारा श्रद्धा का विषय, ये हिंदू मुसलमान से हम जोड़ते भी नहीं है ये। और इससे भी मैं सहमत हूँ कि बहुत से हमारे मुस्लिम भाई भी ऐसे हैं कि जो गाय को मानते हैं, गाय को पूज्य मानते हैं, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, गोवंश बढ़ना चाहिए, उसका केवल व्यावहारिक श्रद्धा का विषय नहीं, इकोनॉमिकल भी विषय है। तो इसको हिंदू मुस्लिम के लेवल पर हम जा ही नहीं रहे। तो सवाल जहां भी अभी महाराष्ट्र में हो गया, हरियाणा में हो गया, धीरे धीरे सभी जगह होगा, और गायों की हत्या बंद होनी चाहिए। श्याम जाजू जी, श्याम जाजू जी, एक सवाल यहाँ बनता है, जो बैन चाहते हैं बीफ पे वो भी इकोनॉमी से इसको जोड़ते हैं, जो बैन का विरोध कर रहे हैं वो भी इसको इकोनॉमी से जोड़ते हैं, एक तरफ जो बैन का विरोध कर रहे हैं वो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो बीफ का एक्सपोर्ट है उससे काफी पैसा देश को आता है, और दूसरा जो इस बीफ के को बैन को सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि गाय को बैन करेंगे तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा, दूध से जो प्रोडक्ट बढ़ेंगे उसके कारण जो है इकोनॉमी में समृद्धि आएगी। तो आपको क्या लगता है किस इकोनॉमी की बात कर रही है बीजेपी? एक तरफ दूध की इकोनॉमी है, दूध के उत्पाद की इकोनॉमी, दूसरे गौमांस की इकोनॉमी है। को छोटे छोटे कप्पों में नहीं सोचना चाहिए, टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए, ये ओवरऑल विषय। सबसे बड़ी बात है इस देश के जनता की श्रद्धा, इस देश के आदमी उस विषय को कैसे देखता है, फिर बाकी उसके ऊपर अलग अलग ओके बिल्कुल धन्यवाद श्याम जाजू जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे पास बहुत पूरे देश भर से हमारे पास रिएक्शन आ रहे हैं, हमारे विभिन्न रिपोर्टर देश के विभिन्न भागों में फैले हैं, उनसे जो रिएक्शन हमारे मिले हैं, आम जनता के जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम आपको सुनाते हैं, और अब चलते हैं सीधे जनता के पास। जब से गौ मास पर प्रतिबंध लगा है तभी से लगातार मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, एक तबका काफी खुश है, वहीं कुछ लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आइए आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है। वो तो अच्छी बात है, गौ तो हमारा माता के समान है, तो उसके ऊपर उसको ना खाने के लिए मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो वो तो अच्छी बात है कि मतलब मुसलमान लोग भी उसको ना खाएं। प्रतिबंध ठीक है इसका, क्योंकि जिसकी पूजा करते हैं अगर उसको खा लिया जाए तो फिर उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, जैसे किसी के यहाँ पे कुंडी टूटता है, चर्च टूटता है, तो उसके ऊपर लोग विरोध करते हैं। अगर गोमांस के ऊपर अगर प्रतिबंध लगाया तो वो सही किया गया है, जैसे अगर मेरी माँ है मेरे लिए पूजनी है तो गौ माता भी मेरे लिए उतनी ही पूजनी है, क्योंकि हमारे को बचपन से यही चीजें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं। मेरे ख्याल से लोगों ने तो उसका विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है और सब मानते हैं कि जो गौ माता है हमारे लिए पूजनीय है, और हिंदू धर्म में उसको सबसे ज्यादा माना जाता है, तो इसलिए उसके जो मांस खाने में जो प्रतिबंध लगा है वो सही है। जो भी गौ मांस मतलब गौ हत्या करता है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो जाए उसको, या जो नियम निकल रहा है उसके लिए, जो कानून निकल रहा है वो पूरी तरह से लगाया जाए। तो फिर देश में तो समझ लो कि रिलीजन के ऊपर ही पंगा शुरू हो जाएगा, जिसको कि रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा, फिर बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हो जाएगा देश में। तो इसलिए कहते हैं हिंदू राष्ट्र है तो ये चीज को मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो इसके लिए सजा आपको जरूर भोगना पड़ेगा। प्रजातंत्र है और सही
रास्ते पे लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, बुद्धि विवेक से समझाना पड़ेगा, तब जाके एक वातावरण तैयार करना पड़ता है। शाकाहारी भोजन बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और मांस जो है शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो सभी को शाकाहारी भोजन करना चाहिए। गाय को खत्म करने का हिंदुस्तान में अभियान और विदेशों की गायों को लाने का अभियान अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ था, हमारी हिंदुस्तानी गाय को ब्रीड खत्म करने का और हमारी इकोनॉमी को तहस नहस करने का जो अभियान है उसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम प्रतिबद्ध है, जो लोग गौमांस खा रहे हैं वो किन कारणों से खा रहे हैं, उनको कैसे समझाया जाए, ये हमारा अभियान चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनका विरोध करने का तरीका है, अध्यक्ष जी उन्हें समझाने जा रहे हैं, हमारे अपने लोग हैं, देशवासी हैं, उन्हें समझाया जाएगा। और मुझे लगता है कि सही दिशा में समझाने की जरूरत है आज सब समाज को। मुझे लगता है कि इससे देश के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, देश के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। बीजेपी की तो मानसिकता ये है कि वो अपना विरोध स्वयं पैदा करते हैं, और कोई विषय हो वो जनता से संवाद में न यकीन रखते हैं और न विश्वास करते हैं। तो अब ये उनकी उनकी पार्टी का विषय है, वैसे तो उनकी सरकार का विषय इसमें, तो जहां जहां जा रहे हैं वहीं विरोध हो रहा है, जहां जिस प्रदेश में वो जाते हैं वहीं विरोध होता है। जी ये थे बिहार, माफ करिए, ये देश की जनता थी जो बीफ बैन पे अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी, देहरादून से, दिल्ली से और देश के दूसरे हिस्से से लगातार जो जनता थी वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। लेकिन एक चर्चा यहाँ पर और भी है कि जिस तरीके से बीफ बैन को लेकर के बॉलीवुड से ट्वीट किए जा रहे हैं, समर्थन में ट्वीट किए जा रहे हैं, उसको भी हम आपको दिखाते हैं कि बॉलीवुड के लोग जो है वो किस किस तरीके से बीफ बैन को सपोर्ट कर रहे हैं ट्वीट के जरिए। ये मार्कंडेय काचू का ट्वीट अभी आपने देखा, ऋषि कपूर ने कहा कि मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि लोग खाने को धर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं, मैं बीफ खाने वाला हिंदू हूं। इस ट्वीट को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। और साथ ही रवीना टंडन का कहना था कि बीफ खाने को लेकर किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए, ये लोगों की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं। बॉलीवुड से इस तरह के ट्वीट आए बीफ खाने को और ना खाने को लेकर। और साथ ही फरहान अख्तर का कहना है कि अब महाराष्ट्र में आपको किसी से शिकायत यानी बीफ हो सकती है लेकिन आप किसी के साथ बीफ खा नहीं सकते। और साथ ही अनुभव सिन्हा जो कि फिल्म निर्माता है, उन्होंने एक फिल्म का गीत ही यहां पर बिल्कुल बदल डाला, उनका कहना था। और साथ ही ऋचा चड्ढा की बात करें तो उनका कहना है कि मैं वेजिटेरियन हूं लेकिन गौमांस पर प्रतिबंध सांप्रदायिक राजनीति है। अब समय हो चला है इस प्रोग्राम को खत्म करने का, हमारे पास बहुत कम समय बचा है और इस समय में हम हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। हमारे साथ मालवीय जी जुड़े हुए हैं, उज्जैन के सांसद, पहले उनसे जानते हैं। मालवीय जी, आखिरी कमेंट बताएं, फाइनल क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विरोध कर रहे हैं उनके पीछे कोई बहुत वैचारिक दृढ़ आधार नहीं है, वो केवल मात्र प्रसिद्धि के लिए ट्वीट कर रहे हैं कि जनता जाने कि सारे, जब पूरा एक सफेद कपड़ा और एक काला धब्बा वो अलग से दिखाई देता है तो शायद उनकी मंशा यही है कि लोग, पूरा देश ये जाने कि हम इसका, इस प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इतना भर है, उनके पीछे कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं है। और जहां तक सरकार का विषय है, निश्चित रूप से ये बात वहां तक पहुंची है, मैं भी पहुंचाऊंगा कि देश चाहता है, देश का जनमत चाहता है, देश की जनता चाहती है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध हो, निश्चित रूप से ही आज नहीं तो कल लागू। बिल्कुल आचार्य प्रमोद जी, आप बताएं आपका फाइनल कमेंट क्या है? अगर मेरे किसी शौक से मुसलमान भाइयों का दिल दुखेगा या दुखता होगा तो मैं अपने शौक पर पाबंदी लगाना मुनासिब समझूंगा। जहां तक फिल्मी कलाकारों का और इनका जो ट्वीट का मामला है तो मैं कहना चाहता हूं कि इनका भारतीय संस्कृति से, सभ्यता से कोई मतलब नहीं है, इनका धर्म ही धंधा है, ये तो इनका कोई लेना देना इस बात से नहीं। विजय शंकर जी, इस पर मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। देखो, गाय पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर प्रतिबंध कड़ा से कड़ा लगाना चाहिए, लेकिन एक बात जो बात आई कि फिल्म सिटी से बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं, तो मैं कहना चाहूँ वो धन प्राणी हैं और जो हमारे बिलीफ पर, जो हमारे विश्वास पर कुठाराघात करता है, उसका अपमान करता है, तो उसका प्रत्युत्तर
उनको देना चाहिए, उनकी फिल्मों को न देख करके। बिल्कुल असद खान साहब, आप क्या कहेंगे, आखिरी कमेंट आपसे, समय बहुत कम है हमारे पास। देखिए, जिस तरह भी जनता के आपने अभी राय दिखाई और बॉलीवुड के भी आपने ट्वीट दिखाए, इन लोगों को जैसे बताया कि ये धन प्राणी है, इनका धंधा ही मजहब है, धर्म है, इनको रिलीजियस नॉर्म से या सोशल नॉर्म से या और किसी तरह के नॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनके ट्वीट्स हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होने चाहिए, ना हम इनसे, इनके ट्वीट से इन्फ्लुएंस्ड होने चाहिए। हमें जो देखना चाहिए कि हमारे देश की जनता जो सिंसियर है, जो इस देश के लिए अपने आप को लगा रही है, उनके लिए गाय का क्या मकाम है और क्या मर्तबा है, उनके लिए जो श्रद्धा और जो आस्था है। बिल्कुल, मौलाना सजर साहब देहरादून से जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब क्या कहेंगे, आखिरी कमेंट। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो देश है हिंदुस्तान, वो संविधान से चलता है कि धार्मिक आस्थाओं से चलता है? आप आखिरी कमेंट दें। आपके मौलिक अधिकार देता है खाने का, पीने का, पहनने का, क्या अगर हम किसी एक चीज पर प्रतिबंध लगाएंगे उससे मौलिक अधिकारों का हरण नहीं होगा? हाँ, ये होगा तुम्हारे। बिल्कुल, मौलिक अधिकार के हनन की बात कर रही है। संरक्षण आयोग बने, प्रतिबंध लगाने से पहले संरक्षण आयोग बनाया जाए, मौलिक अधिकारों का हनन ना हो उसको भी देखा जाए, संविधान का आर्टिकल है 48 उसको भी पढ़ा जाए, वो क्या कह रहा है, उसके बाद कोई जी, 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 आप सभी मेहमानों को देखिए, समय की कमी है, समय की कमी के चलते आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम वंदे मातरम में हिस्सा लेने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं कि कुछ एसएमएस हमारे पास आए हैं इस प्रोग्राम को लेकर, इस प्रोग्राम जो विषय था उसको लेकर जो एसएमएस आए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल हम आपको एसएमएस भी दिखाएंगे, लेकिन एसएमएस जो हमारे पास प्रिंट है वो लगता है हमारे पास पहुंच नहीं पाया है। हम अभी तुरंत, अब क्योंकि प्रोग्राम के दौरान हमारे पास ये एसएमएस आए थे और ये प्रिंट हमारे पास हमारे प्रोड्यूसर भी पहुंचा रहे हैं। अब उससे पहले आपको एसएमएस दिखाएंगे, लेकिन एसएमएस के बाद हम आपको छोड़े जाएंगे कुछ पब्लिक पंचेज के साथ। ये जो पब्लिक पंच हम आपको दिखाएंगे, आपको गुदगुदाने के लिए केवल हम दिखा रहे हैं, और इसे किसी को ठेस पहुंचाने या किसी की भावना को चोट पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कुछ पब्लिक पंचेज जो आपको शायद इस प्रोग्राम के अंत में कुछ गुदगुदाए, कुछ अलग से मजा दे। मोदी जी सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी बताओ अब कौन सा देश बच गया है घूमने के लिए? सेक्रेटरी, अपना ही देश रह गया है सर। भारतवासी चकित हैं कि आखिर उन्होंने प्रधानमंत्री चुना था या वास्को डी गामा जो दुनिया की खोज पर निकला है। राज ठाकरे को बैंक के अंदर आते हुए देखकर कैशियर भागकर अंदर मैनेजर के केबिन में जाकर बोला, सर वो फिर आ गया जो मराठी में छपे हुए नोट मांगता है। मोदी सरकार को अब दारू दोगुना दाम पर बेचना चाहिए और आधा पैसा पीने वाले की पतरी के अकाउंट में सब्सिडी की तरह वापस कर देना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, पहला ये कि पत्नी अब अपने पति को पीने के लिए कभी मना नहीं करेगी, और दूसरा फायदा ये कि जिस किसी की पत्नी का अकाउंट नहीं है वो भी तुरंत खुल जाएगा। राहुल किसान से, आप खेत में क्या क्या बनाते हो? किसान, गेहूं, चावल और सब्जी। राहुल, तो किसान जैम कौन बनाता है? किसान, भैया आप छुट्टी पे ही अच्छे थे। मिस्ड कॉल से बीजेपी का सदस्य बनने की योजना के जवाब में केजरीवाल ने घोषणा की कि जब आप जैसे ही अपने घर में बैठ के खांसेंगे आपको आम आदमी पार्टी के सदस्य मान लिया जाएगा।